वहीं दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अभद्र टिप्पणी से आहत होकर के रामगढ़ पचवारा थाने में करवाया है मामला दर्ज। लालसू डीएसपी को भी ज्ञापन सौंप करके राजपूत समाज के खिलाफ आपत्तिजनक कमेंट पर कार्रवाई करने की मांग की गई। तो वहीं यह मामला है थाना रामगढ़ पचवारा के गांव चांदावास का। सोशल मीडिया पर समाज के खिलाफ किए जा रहे आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर के करनी सेना ने कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के थानाधिकारी रामगढ़ पचवारे ने आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया और चंदावास गांव निवासी राम सिंह पुत्र भंवर सिंह ने थाना पहुंच करके मामला दर्ज कराया है। साथ ही 13 मार्च को राम सिंह के कब्जा शुदा भूमि की तारबंदी उक्त परिवार के लोगों के द्वारा तोड़ दी गई थी और उक्त भूमि को एक कुम्हार परिवार द्वारा हड़पने का आरोप भी लगाया गया। तो वहीं सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी को लेकर के राजपूत समाज में रोष व्याप्त है। साथ ही असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की करनी सेना ने मांग की है और कार्रवाई नहीं होने की दशा में करनी सेना ने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। आज आप किस मामले को लेकर थाने पर गए और सीओ साहब से मिले, क्या मामला आया? हमारी आबादी भूमि कसरा नंबर 150 ग्राम चांदास में स्थित है, उसको हड़पने के विचार से कुमार परिवार 13 तारीख को हमारी तारबंदी थी उसमें चारों तरफ से, उसको तोड़ दिया और फिर झूठा बहाना करके डॉक्टर किरोड़ी के पास में कि उसके बच्चियों की शादी थी उसको ले जाने के बगैर तेल नहीं चढ़ाने देते हैं, ऐसी झूठी शिकायत उसके पास में करके और फिर थाने में पहुंच गया और ये झूठी मतलब ये शिकायतें करके और ये सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी मेरे तथा मेरे समाज के खिलाफ वो किया। मैं आहत हुआ और जिन लोगों ने मेरे खिलाफ ये गलत टिप्पणी गाली गलौच ऐसे किए उनके खिलाफ मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। उनके खिलाफ आपने मामला दर्ज करवाया रामगढ़ पचौरा थाने के अंदर? हाँ। क्या नाम है उनके? उनके नाम ललित मोहन, रमेश, वो कमलेश, प्रेम सिंह। कितने लोग हैं? 10-12-13 लोग हैं। मतलब आपका शुभ नाम? राम सिंह है मेरा नाम। रहने वाले? ग्राम चांदावास, तहसील रामगढ़ पचवारा, जिला दौसा। सर मामला क्या है कि जो अपने दौसा जिला है उसमें राजपूत समाज अल्पसंख्यक समाज है और ग्राम चांदावास में कुछ षड्यंत्रकारी कोई कुमार परिवार है जो राम सिंह जी चांदावास है, इनकी पुश्तैनी जमीन है जागीर टाइम से, वो इनकी जमीन हड़पना चाहते हैं और उस हड़पने के साथ ही समाज और इनके साथ जो अभद्र टिप्पणियां की है उससे मैं बहुत आहत हुआ और मतलब उसका हम जवाब भी दे सकते हैं मगर हम कानून में विश्वास रखते हैं। अगर कानून ने टिप्पणी करने वाले और सोशल मीडिया पे जो अभद्र टिप्पणी ऐतिहासिक चीज़ों पे और बहन बेटियों पे की है उसका अगर प्रशासन और पुलिस ने गिरफ्तार करके 7 दिन में उसका मतलब कार्रवाई नहीं की तो करणी सेना इसके ऊपर आंदोलन करेगी। करणी सेना ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानती है मगर हमारा कानून में विश्वास है इसलिए हम कानून की भाषा में ही बात कर रहे हैं वरना फिर करणी सेना आंदोलन चलाएगी और अपने स्तर पर इस मामले को देखेगी। आईटी एक्ट में किसी जाति जो जाति राजपूत जाति ने इतिहास में क्या भारत को बचाया, हिंदू समाज को बचाया और जो जातें आज राजपूत समाज पे कमेंट कर रही है उनको ये पता नहीं कि इन राजपूतों ने इन जातियों को पाला है और वो जातियाँ जो राजपूतों का एक स्वर्णिम इतिहास है उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, इनको ये शर्म आने की बात है और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो राजपूत समाज व करणी सेना अपने स्तर पर इसका उत्तर देगी। आपका नाम? मेरा नाम हुकुम सूरजभान सिंह मोहम्मदपुरा है। तो आप क्या करणी सेना के क्या हो? मैं करणी सेना जिला अध्यक्ष, वैसे सिपाही हूँ मैं तो, समाज का एक छोटा सा। जिला अध्यक्ष हो आप करणी सेना के? हाँ। आज राम सिंह राजपूत निवासी चांदावास ने यहाँ थाने पर आकर के एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रमेश, मीठालाल, प्रभुलाल वगैरह ने सोशल मीडिया पर जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। इसको लेकर आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है जिसका अनुसंधान एसएचओ लालसोट द्वारा किया जा रहा है।